ऐसे तो क्रिकेट का इतिहास बहुत ही पुराना है। जैसा कि शायद आप लोग जानते ही होंगे कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी और क्रिकेट का जन्मदाता भी ब्रिटेन को ही माना जाता है। पर अगर सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1975 में। उस साल इसका आयोजन 7 जून से 21 जुलाई तक इंग्लैंड में किया गया था एवं इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होने वाली टूर्नामेंट है। साल 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री भारत है। भारत में इसका आयोजन 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। अगर भारत की बात करें तो वर्ष 1983 का वर्ल्ड कप भला कोई क्रिकेट प्रेमी कैसे भूल सकता है, जब पिछले 2 विश्व कप के विजेता वेस्टइंडीज को भारत ने कपिल देव के कप्तानी में हराया और उसके हैट्रिक विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस फाइनल मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और भारत ने ये दिल थाम लेने वाली मैच को अपने नाम किया और भारत के प्रथम विश्व कप जीतने के सपने को साकार किया। अब तक कुल 12 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हो चुके हैं जिसमें से भारत और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार जीत हासिल की है। भारत ने पहली बार 1983 में कपिल देव के कप्तानी में एवं दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये कप अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा भारत एक बार 2003 विश्व कप में उपविजेता भी रहा है। वर्ष 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। 7 जून से 21 जुलाई तक खेली गई इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुपों में रखा गया था। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमों को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश दिया गया था। उस समय 60 ओवर का एक मैच होता था। उस समय खिलाड़ी क्रिकेट की पारंपरिक पोशाक यानी उजले कपड़े पहनते थे। सभी मैच दिन में ही होते थे। मैच कुल 120 ओवर का होता था, इसलिए मैच जल्दी ही शुरू हो जाते थे। पहले ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और ईस्ट अफ्रीका की टीमें थीं, तो दूसरे ग्रुप में थे वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसी विश्व कप के एक मैच में भारत के महान सुनील गावस्कर ने पूरे 60 ओवर बल्लेबाजी की और सिर्फ 36 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया था। मैच था इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाए थे। डेनिस एमिस ने 133 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जवाब में भारत ने 60 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बनाए। गावस्कर ने 174 गेंद का सामना किया और एक चौके की मदद से सिर्फ 36 रन बनाए और नाबाद रहे। उसी मैच में सिर्फ पोट्टुनासन गेंद का सामना करते हुए गुंडप्पा विश्वनाथ ने सर्वाधिक 37 रन बनाए थे। कहा जाता है कि वनडे क्रिकेट का विरोध करने के लिए गावस्कर ने ऐसी धीमी पारी खेली थी। इस विश्व कप में भारत के कप्तान थे श्रीनिवास वेंकटराघवन। हालांकि ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की और इस मैच में सुनील गावस्कर ने 46 गेंद पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली और पारी में 9 चौके भी लगाए। भारत इस विश्व कप में सिर्फ एक मैच जीत पाया, वो भी ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। पहले ग्रुप से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं, तो दूसरे ग्रुप से मौका मिला वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया को। पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। कम स्कोर वाले इस मैच में पहले खेलते हुए इंग्लैंड की टीम सिर्फ 93 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य हासिल करने के लिए 6 विकेट गंवा दिए। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज की टीम का मुकाबला था न्यूजीलैंड से। वेस्टइंडीज की टीम को विश्व कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था और उसने निराश भी नहीं किया। वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से जीत हासिल की। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 128 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 5 विकेट गुवाकर की लक्ष्य हासिल कर लिया। कालीचरण ने 75 और ग्रीनिज ने 55 रनों की शानदार पारी खेली। फाइनल में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वेस्टइंडीज का मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया से। मैच काफी रोमांचक था
और इस ऐतिहासिक मैच में पहला विश्व कप जीतने का गौरव हासिल किया वेस्टइंडीज ने। कप्तान क्लाइव लॉयड की अगुवाई में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 रनों से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने क्लाइव लॉयड के शानदार शतक 102 और रोहन कन्हाई के 55 रनों की मदद से सिक्सटार्ट ओवर में 8 विकेट पर 251 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी टीम 58.4 ओवर में 274 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाज रन आउट हुए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास अच्छा और इंटरेस्टेड लगा होगा। इस बेहतरीन जानकारी को आप अपने क्रिकेट लवर साथियों के साथ साथ सोशल मीडिया साइट्स पर भी जरूर शेयर करें।